हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। एक नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं कर्नाटका के ट्रिप में हूँ और पिछले वीडियो में मैंने आपको गोकर्णा, याना केव्स और जोग फॉल के बारे में बताया था। और आज मैं जा रहा हूँ कर्नाटका के एक बहुत ही फेमस टेम्पल श्री मुर्डेश्वर टेम्पल में। इस वक्त मैं हूँ इंडिया के सेकेंड हाइस्ट वाटरफॉल जोग फॉल के पास और यहाँ से जो मुर्डेश्वर टेम्पल है वो 88 किलोमीटर्स है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं यहाँ जोग फॉल से मुर्डेश्वर टेम्पल जाने वाला हूँ और आपको मैं मुर्डेश्वर टेम्पल की सारी जानकारी काफ़ी डिटेल में देने वाला हूँ कि आप मुर्डेश्वर टेम्पल कैसे पहुँच सकते हैं, टेम्पल की क्या स्टोरी है, वहाँ पर रहने के लिए क्या फैसिलिटीज़ है और वहाँ पर दर्शन करने की क्या विधि है। तो ये सारी जानकारी मैं आज आपको अपने वीडियो में देने वाला हूँ। बने रहिए वीडियो में, हम चलते हैं सीधा मुर्डेश्वर महादेव मंदिर में। दोस्तों, आज हम कर्नाटका राज्य के उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में अरब सागर के तट पर स्थित विश्व के दूसरे सबसे बड़े शिव मूर्ति श्री मुर्डेश्वर मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं। हमने ये यात्रा कर्नाटका के एक पवित्र तीर्थ स्थान गोकर्णा से शुरू की थी और याना के सहस्त्रलिंगम जोगफॉल होते हुए अब हम श्री मुर्डेश्वर क्षेत्र में जा रहे हैं। मुर्डेश्वर से आप जोग फॉल जाएंगे या जोग फॉल से आप मुर्डेश्वर जा रहे हैं, तो ये जो बीच का रास्ता है, ये जो 80 किलोमीटर का रास्ता है जिसमें 30 किलोमीटर पूरे घाट और जंगल है। इस जंगल में इस घाट पर एक व्यू पॉइंट है जिसका नाम है शरावती व्यू पॉइंट। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से नीचे जो शरावती नदी बहती है और शरावती नदी का व्यू यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखता है। तो ये जो रास्ता है जो मुर्डेश्वर से जो होनावर होते हुए जोग फॉल को जाता है, ये रियली बहुत खूबसूरत रास्ता है, पूरे घाटों से आना है। तो मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर रुका था, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ मुर्डेश्वर के लिए। तो दोस्तों, फाइनली 88 किलोमीटर का राइडिंग करके मैं श्री मुर्डेश्वर महादेव मंदिर के पास पहुंच चुका हूं और अभी मैं मुर्डेश्वर महादेव मंदिर के बाहर पार्किंग के पास हूं। जोग फॉल से मुर्डेश्वर मंदिर मुझे आने में लगभग 2 घंटे लगे और ये जो रास्ता था वो रियली बहुत खूबसूरत रास्ता था। जंगलों से, पहाड़ों से शरावती नदी को पार करते हुए मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर जब आप आएंगे मुर्डेश्वर मंदिर के पास में, तो आपको यहाँ पर पहले पार्किंग मिलेगा। बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस है यहाँ पर, 2 व्हीलर के लिए अलग पार्किंग स्पेस है, 4 व्हीलर के लिए अलग है पार्किंग स्पेस। और उसके बाद मंदिर अभी खुलने वाला है, मंदिर दोपहर को बंद होता है, अभी 3 बजे ये मंदिर खुल रहा है। तो अभी मैं मंदिर में जाता हूँ और आपको मैं मंदिर, श्री मुर्डेश्वर महादेव मंदिर और जो मुर्डेश्वर महादेव मंदिर के पास की जो शिवा स्टैचू है जो पूरे वर्ल्ड भर में फेमस है, वो स्टैचू मैं आपको दिखाता हूँ। मुर्डेश्वर मंदिर विशाल शिव मूर्ति के अलावा अपने विशाल राज गोपुरम के लिए भी प्रसिद्ध है, जो एक 20 मंजिला इमारत है। मुर्डेश्वर मंदिर एक पौराणिक मंदिर है जो गोकर्णा के महाबलेश्वर आत्मलिंग का ही एक हिस्सा है। लेकिन अब इस मंदिर का आधुनिकीकरण हो चुका है, जिसे आरएनएस ग्रुप के चेयरमैन श्री डॉक्टर आर.एन. शेट्टी जी ने किया है। मंदिर के राजगोपुरम के बाहर 2 विशाल हाथी की प्रतिमाएं बनाई गई हैं और आप 20 रुपए का टिकट लेकर राजगोपुरम के ऊपर भी जा सकते हैं, जहां से मुर्डेश्वर तीर्थ के चारों दिशा के अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। यहां चारों दिशा में एक एक खिड़कियां बनाई गई है जहां से आप बाहर के दृश्य देख सकते हैं। मुर्डेश्वर मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक और फिर दोपहर के 3 बजे से लेकर 8:30 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। यहाँ मुर्डेश्वर मंदिर का गर्भगृह ही पुराना है, बाकी पूरे मंदिर का आधुनिकीकरण हो चुका है। तो दोस्तों, अभी मैं नीचे मंदिर में दर्शन करके और ऊपर 18 फ्लोर पर जो ये गेट है, जो इसे गोपुरम है, इसके 18 फ्लोर पर जाके अब मैं नीचे यहाँ मैं मूर्ति के पास आ गया हूँ, जो मुर्डेश्वर की जो वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट जो स्टैचू है, मैं वहाँ पर आ गया हूँ और अभी मैं आपको ये स्टैचू बताता हूँ। और विशाल शिव मूर्ति को मुख्य मंदिर के पीछे कंडुका पहाड़ी के ऊपर स्थापित किया गया है, जहाँ कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है।
भगवान शिव की यह स्थापित विशाल मूर्ति की ऊंचाई 123 फीट है। इस मूर्ति के शिल्पकार शिवमोगा के काशीनाथ ने इसे इस तरह से बनाया है कि सूर्य की किरणें दिन भर मूर्ति पर पड़ती रहे। ये मूर्ति चांदी के रंग से कुछ इस तरह से रंगी है कि सूरज की किरणें पड़ते ही ये मूर्ति और भी विशाल दिखाई देती है। भगवान शिव की इस प्रतिमा के चार हाथ हैं और गले में वासुकी नाग है जिसे सोने के रंग से रंगा गया है। यहाँ मूर्ति के पास और भी कई सारे मंदिर हैं जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। और मूर्ति के पास ही एक स्टैचू पार्क बनाया गया है जहाँ पर कई सारे देवी देवताओं के मूर्ति बनाए गए हैं और यहाँ पर अनेक प्रकार के फूल और पौधे के पेड़ लगाए गए हैं। मुरुडेश्वर मंदिर के पास ही मुरुडेश्वर बीच है जो मंदिर के पास दर्शन के बाद समय बिताने के लिए एक अच्छी जगह है जहां पर कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होते हैं। तो दोस्तों यह है मुरुडेश्वर महादेव मंदिर। बहुत कुछ है यहां पर देखने के लिए और करने के लिए। और यहां पर ही पास में नेत्रानी बीच है जो अपने स्कूबा डाइविंग के लिए फेमस है और यहां पर भी कई सारे मंदिर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी मेरे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है। अभी 2 घंटे के बाद मेरी यहां गोकर्णा से मुंबई के लिए ट्रेन है तो मुझे यहां से अभी मुरुडेश्वर से निकलना पड़ेगा। मैं जाऊँगा गोकर्णा और गोकर्णा में जो मैं बाइक रेंट लेकर 3 दिनों से घूम रहा हूँ वो बाइक रिटर्न करके फिर मैं स्टेशन आऊँगा और अपनी ट्रेन लेकर मैं मुंबई के लिए निकल जाऊँगा। तो दोस्तों ये शॉर्ट टाइम में मैंने कोशिश किया कि आपको मुरुडेश्वर मंदिर से ज़्यादा जानकारी दिखा सकूं और यहां के मंदिर के बारे में आप लोगों को बता सकूं। तो आज के वीडियो को मैं यही एंड कर रहा हूं मुरुडेश्वर मंदिर में और मैं यहां से निकल रहा हूं गोकर्णा। सो दोस्तों ये थे मेरे कर्नाटका सीरीज़ के कुछ वीडियोस जिसमें हम बहुत सारे जगहों पर गए थे। अगले वीडियो में भी हम बहुत जल्दी मिलेंगे किसी और खूबसूरत जगह पर। तब तक के लिए बाय, गुड डे, सी यू, मिलते हैं बहुत जल्दी।